पीपल्स रिपब्लिक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े सर, गवंडी में हंगामी दौरा हुआ है, आइए बात करते हैं। सर, गवंडी में आपका हंगामी दौरा हुआ, क्या कहना था? शिवाजी नगर गवंडी में हमारे गरीबों की पार्टी, मुफलिसों की पार्टी, अखिलेशों की पार्टी, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के शाखा का आज उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है। कार्यालय का उद्घाटन हुआ और शिवाजी नगर गोवंडी में के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले जो भी चुन के आए उन्होंने इस शिवाजी नगर गोवंडी के विकास के लिए जो काम करना चाहिए तो ऐसा काम हुआ नहीं है। तो हमारे पार्टी की तरफ लोगों की बड़ी आस है कि नई पार्टी आई है, नई रोशनी लाई है और हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि एक तो यहाँ पे हमारे सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, लोगों में समाज में भाईचारा निर्माण हो, सब लोग मिलजुल कर तरक्की के रास्ते पर चलते रहे, ये हमारा मकसद है। और इसीलिए केवल चुनाव हमारा मकसद नहीं है, हमारे कई मकसदों का एक मकसद हमारा चुनाव है। राजनीति से ज़्यादा हम सामाजिक काम में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो 20% राजनीति और 80% समाज का, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी इस शिवाजी नगर गोड में रहने वाले लोगों के विकास के लिए, तरक्की के लिए, उनकी तकलीफें दूर करने के लिए ईमानदारी के साथ काम करेगी और लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। गोवंडी में आप आए हैं, किस तरह का लोगों के साथ सहयोग मिला? ये यहाँ पर जब मैं आया तो सभी लोगों ने बड़ा स्वागत किया, यहाँ पर नारे लगाए, घोषणाएं दी, जय जयकार किया और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का आईन लिखा, इस देश का संविधान लिखा, उन्होंने देश के 135 करोड़ लोगों के भले के लिए लिखा। यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हम सब लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, बहुजन समाज हो, हिंदू हो, किसी भी समाज के लोग, धर्म के लोग हो, उनको सुरक्षा प्रदान किया है, तरक्की के दरवाजे खोल दिए है बाबा साहब के संविधान ने। और छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब ये हमारे महाराष्ट्र के देश के बड़े पूजनीय महान व्यक्ति हैं, इनके आदर्शों को लेकर हम चलेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि देश की आज़ादी के लिए सभी ने मिलकर कुर्बानियाँ दी, लड़े, जहां मुसलमानों ने अपना खून बहाया, दलितों ने अपना खून बहाया, सभी जाति धर्म के लोगों ने ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ लेकिन कुछ लोगों की तरक्की हुई, आम लोगों की जिस प्रकार से तरक्की होनी चाहिए थी, विकास की गंगा गरीबों के घर में पहुंचनी चाहिए थी, वो पहुंच नहीं सकी। और इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, अशफाकुल्ला खान हो गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी वगैरह जैसे बड़े, सरदार भगत सिंह के साथ कंधे से कंधा लगाकर अशफाकुल्ला खान जैसा हमारा नौजवान शहीद हुआ, फांसी के फंदे पर झूल गया, इनकी कुर्बानी निश्चित रूप से हमें प्रेरणा देती रहेगी। जय भीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कंवारे सर का और जयदीप कंवारे सर दोनों का भी, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए और यहाँ पर चार चांद लगाए। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि हम लोग यहाँ पर नई मुहिम कर रहे हैं तो आप लोग का सबका साथ मुझे चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि यहाँ पर किसी को कुछ तकलीफ है तो उसमें उसकी आसानी करूँ और यही चाहूँगा मैं करना और आप सबके साथ चाहिए तो मेरा साथ दीजिए, ठीक है।